पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, लेकिन लग रहा है जैसे पाकिस्तान में ही उनका मान सम्मान कुछ खास रह नहीं गया है। घोटालेबाज साबित होते जा रहे हैं इमरान खान, भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों को झेल रहे हैं, सरकारी खजाने में गड़बड़ी करने के भी आरोप झेल रहे हैं, और तो और सरकार और सेना सभी से पंगे भी तो ले चुके हैं। ऐसे मंगलवार को इमरान खान जेल के अंदर जा चुके हैं, सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं और वहां पर भी अपने साथ की जा रही अभद्रता की शिकायत कर रहे हैं। अपने लिए जैसे हर वक्त खास इंतजाम चाहते हैं इमरान खान, लेकिन कल जिस बेकदरी से ले जाए गए हैं उससे लगता नहीं कि अब पाकिस्तान में अपनी कोई खास साख बचा पाए हैं इमरान खान। अब ऐसे में सवाल यहाँ ये उठ सकता है कि आरोप तो इमरान खान पर पिछले काफी समय से लग रहे हैं, लेकिन अचानक से यूं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने से उन पर शिकंजा क्यों कसा गया? आखिर किसने और क्या शिकायत की है जिसके बाद इमरान खान के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार हो रहा है? दरअसल इमरान की गिरफ्तारी के पूरे प्रकरण के पीछे पाकिस्तान के सबसे अमीर लोगों में गिने जाने वाले कारोबारी रियाज मलिक का नाम सामने आ रहा है। माना जा रहा है कि उन्हीं की शिकायत पर पाकिस्तान में इमरान खान का दिवाला निकलने वाला है, क्योंकि मंगलवार को पूर्व पीएम इमरान खान की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है उसका एक 17 सेकंड का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में मलिक रियाज और उसकी बेटी अंबर की बातचीत सुनाई दे रही है। अंबर अपने पिता से कहती है, बुशरा बीबी ने 5 कैरेट की हीरे की अंगूठी की मांग की है। वो कह रही है कि अंगूठी बनवा लेंगी, लेकिन उसका चार्ज हमें ही देना होगा। अंगूठी के बदले में वो इमरान खान से आपको ठेके दिलवा देंगी, आपके खिलाफ केस भी खत्म करवा देंगी। मेरी बात उनकी दोस्त फरहा से हो गई है। कौन सा केस? आखिर मलिक रियाज की बेटी कौन से केस की बात कर रही है जिसके बदले में वो डायमंड की 5 कैरेट की अंगूठी देने के लिए मजबूर हो रहे हैं? इमरान और रियाज मलिक के बीच में क्या है संबंध? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने जब प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली तो उनके इशारे पर ही मलिक रियाज पर मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई हुई। लंदन में मलिक के आदमी के पास से 40 अरब रुपए जब्त किए गए थे जिसे ब्रिटेन की सरकार ने पाकिस्तान को सौंप दिया था। इमरान के कहने पर ही ये गिरफ्तारी हुई थी। इसी के जरिए मलिक को ब्लैकमेल किया गया और उससे 2 डील्स की गई। इमरान खान को रकम मिल गई और उन्होंने इसकी जानकारी कैबिनेट को नहीं दी। पैसा पाकिस्तान पहुंचने से पहले ट्रस्ट बनाया गया और इसका नाम अल कादर ट्रस्ट रखा गया। तय किया गया कि इससे एक यूनिवर्सिटी बनेगी जिसमें मजहबी तालीम देने की बात कही गई। इस ट्रस्ट में 3 लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बनाया गया। बुशरा बीबी, इमरान खान और फरा गोगी को यूनिवर्सिटी बनाने के लिए मलिक रियाज ने अरबों की जमीन दी। बुशरा बीबी को तोहफे दिए, बदले में रियाज के खिलाफ केस खत्म करने की मांग की गई। हालांकि अब इसी मामले में इमरान खान को जेल जाना पड़ा है। मंगलवार को इमरान खान को कादर ट्रस्ट मामले में ही गिरफ्तार किया गया है। इमरान खान के खिलाफ 1 मई को जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट में कहा गया है कि उन पर भ्रष्टाचार और भ्रष्ट आचरण का आरोप है। आरोप है कि रियल एस्टेट डेवलपर बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज ने पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के स्वामित्व वाले अल कादर ट्रस्ट को 53 करोड़ रुपए की जमीन आवंटित की थी, जिसकी वजह से अब इमरान खान की परेशानियां बढ़ गई है। कौन है मलिक रियाज? मलिक रियाज की गिनती पाकिस्तान के सबसे अमीर लोगों में होती है। यही वजह है कि रियाज का पाकिस्तान में विशेष रसूख है। खुफिया एजेंसी, ISI, सेना और पाकिस्तान की राजनीति में इनके कई गुर्गे सक्रिय हैं। 8 फरवरी 1954 को रावलपिंडी के एक साधारण परिवार में जन्मे थे मलिक रियाज, और उन्होंने कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए सफर को शुरू किया था। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में क्लर्क के तौर पर मलिक रियाज ने काम किया। अनुभव के बल पर 80 के दशक में खुद की कंपनी बहरिया टाउन बनाई। एशिया की बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में होती है बहरिया टाउन की गिनती। भ्रष्टाचार से जुड़े कई मामलों में भी मलिक रियाज का कई बार नाम सामने आया। मलिक रियाज पर कई मामलों की जांच अभी जारी है। कई देशों में फैला है मलिक रियाज का काम। पाकिस्तान के मिलिट्री इंजीनियर सर्विस के भी कॉन्ट्रैक्ट मलिक रियाज के पास। इन्हें मलिक रियाज ने इमरान खान और उनकी पत्नी की दादागिरी से तंग आकर आरोप लगाया था कि इमरान खान और उनकी पत्नी ने गैर कानूनी तरीके से उसकी करोड़ों की जमीन हड़प ली है। विरोध करने पर डराया धमकाया भी गया, जेल भेजने की भी धमकी दे चुके हैं इमरान खान। इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी ही अल कादर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। इसको लेकर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने जांच के लिए 1 दिसंबर 2022 को मलिक रियाज और अन्य लोगों से पूछताछ भी की थी। अब इसी मामले में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान जेल भेज दिए गए हैं। वहीं पार्टी अध्यक्ष की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हुए उनके समर्थक हंगामा किए हुए हैं। अराजकता, आगजनी से मानो पाकिस्तान के हालात और ज्यादा खराब हो चले हैं।
पाकिस्तान में जिस तरह से संकट के बादल मंडरा रहे हैं उसको देखकर लगता है कि अब ज्यादा दिन की पाकिस्तान की स्थिरता बची नहीं है। कारोबारी रियाज ने लगता है पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी की पक्की तैयारी की है। वैसे कारोबारी रियाज मलिक की शिकायत पर हुई इमरान खान की गिरफ्तारी पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।